सबसे पहले घबराने का नहीं घबराने का नहीं ठीक है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको सबसे पहले मेंटेन है अपनी स्माइल और अपने आप से एक बार कहना है मेरे से हो जाएगा ठीक है कैसे हो जाएगा चलो अब इसका प्रोसेस देखते हैं जब हम पेडिक्री की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली चार से पांच तरह की बीमारियों की बात करते हैं ठीक है एक बीमारी होती है ऑटोजोम ये वो क्रोमोजोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं ये 44 होते हैं एक होते हैं एक्स एक्सलिंग ठीक है यानी कि सेक्स क्रोमोजोम होते हैं जिसमें से दो एक्स क्रोमोजोम महिलाओं में होते हैं और एक एक्स क्रोमोजोम मेल्स में होता है ठीक है वहीं पे तीसरा होता है वाई लिंग यानी ऐसी बीमारी जो पुरुषों से पुरुषों में ही जाती है क्योंकि उन्हीं के पास वाई क्रोमोजोम होता है अब अगर हम मोर्टोजोमल और एक्स एक्सलिंग की बात करें तो ये दोनों ही दो प्रकार की होती है एक होती है डोमिनेंट और दूसरी होती है रिसेसिव दूसरी कौन सी होती है रिसेसिव अगर डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट यानी कि डोमिनेटिंग है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखेगी यानी कि जब आप जनरेशन काउंट करेंगे आप जनरेशन आप लिखेंगे वन टू थ्री फोर हर जनरेशन में यू विल चेक फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स तो यहां पे आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को देखना है तो जब आप अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को देखेंगे डोमिनेंट के केस में तो आप देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है हर जनरेशन में कोई ना कोई बालक ऐसा है जो अफेक्टेड होगा ही होगा ठीक है तो यहां पे डोमिनेंट के केस में नो स्किपिंग यानी हर जनरेशन में कोई ना कोई बालक तुम्हारा नाम रोशन करके ही रहेगा ठीक है वहीं पे अगर हम रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी ठीक है तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल कम रहेगी ठीक है एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि हर बालक में चीज दिखे क्योंकि रिसेसिव एक्सप्रेस होना नहीं चाहती तो यहां पे आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखेगी हो सकता है कि एक बीमारी दादा दादी में दिखे दूसरी बीमारी पोता पोती में दिखे माँ बाप में वो बीमारी दिखे ही ना तो उसको हम स्किपिंग ऑफ जनरेशन कहते हैं ठीक है तो पहले आप आपने तो आपने ऐसे पहचान लिया अब दूसरा सवाल उठता है आपने देखना है कि भैया जो आपकी मदर है उससे जो बीमारी है बेटा बेटी दोनों में जा रही है या नहीं जा रही है यानी कि यहाँ पे कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है तो यानी यहाँ पे जो बीमारी है वो माँ से लल्ला यानी बेटे में यानी सन में और डॉटर में जा सकती है वहीं पे अगर रिसेसिव बीमारी भी फादर से दोनों में जा रही है सन में भी जा रही है और डॉटर में भी जा रही है तो ऐसी बीमारी को हम ऑटोजोमल कहते हैं ठीक है ठीके? बट भाई एक्स लिंक की बात करें तो एक्स लिंक वो बीमारी जहां पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है कैसे इनहेरिटेंस होता है क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मां से बीमारी हमेशा अपने लाडले के पास ही जाएगी ठीक है यानी बीमारी हमेशा मदर से सन के पास जा रही है ठीक है वहीं पे फादर से पापा की परी यानी कि बिटिया के पास जा रही है जब आपको ये पैटर्न जनरेशन आफ्टर जनरेशन में देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे कि मैम ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सलिंकड का मामला हो सकता है तो इस तरीके से जब भी पेडिग्री आएगा तो घबराएंगे नहीं स्माइल रखेंगे और इन सारे पॉइंट्स को याद करेंगे अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते फटाफट से चलिए आइए तो ये है आज का सवाल जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं तब क्वेश्चन लेकर आई हूं सीधा सीधा आसान तो तुम वैसे भी कर लेते हो और अपने आपको एक्सपर्ट समझ हम सोचे ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं ठीक है ये पेडिग्री आप कहेंगे यस ठीक है है ये जो पेडिग्री इसमें एक्स लिंक्ड बट ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है ये पता करना बहुत आसान है मान लो कि हमें ये सब भी नहीं दिया एक्सलिंट है या नहीं मान लीजिए कुछ नहीं दिया अब आपको पता करना आप कैसे पता करेंगे सबसे पहले जनरेशन वन जनरेशन टू जनरेशन थ्री अब आप एक फैमिली को पकड़िए जो आगे शादी भी किए हैं ये सब तो शादी नहीं किए नालायक ऐसे की है तो यहाँ पे तीन जनरेशन इसकी बनी है, ये है तीन जनरेशन, एक बार इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं तुम कंफ्यूज ही आ जाओगे वरना चलिए फटाफट से इसको इरेज करते हैं इस वाले पॉइंट को चलो तो इस वाली बिटिया की ही नेक्स्ट फैमिली बनी है तो यहाँ पे इसी की फैमिली को रीड करोगे इनको कोई को मतलब नहीं है आपको क्यों क्योंकि बेटा ये लोग शादी नहीं किए है आगे की जनरेशन ही नहीं पैदा तो किए बताएंगे कैसे बिना पड़े ठीक है सेकेंड जनरेशन में डॉटर के पास गया, है।, के पास गया है।, इस है इस वाली जनरेशन में भी अफेक्टेड इस वाली जनरेशन में भी अफेक्टेड दिख रहे हैं इस वाली जनरेशन में भी अफेक्टेड दिख रहे हैं आपने कहा कि मैम तीनों में फैक्टर दिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी दिख रहे हैं मतलब डोमिनेंट है मैंने कहा चलो ठीक है बढ़िया डोमिनेंट हमने पता कर लिया ठीक है अब आते हैं नेक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट मामला क्या है कि क्या ये ऑटोजोमल है या फिर ये एक्स लेग्ड है ठीक है आ जाओ देखते हैं अब ऑटोजोमल कहता है पापा से बेटे के पास भी जा सकती थी बेटी के पास भी बट ऐसा नहीं हुआ पापा की परियों को बीमारी हुई है सारी तो यानी फादर से बेटी के पास जा रही है ठीक है और इस बेटी से बेटे और बेटी दोनों के पास जा रही है ये ये वाली जो सिचुएशन है 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 ना ये आपके कंफ्यूजन कंफ्यूजन यही आपका है। बट ओवरऑल पैटर्न आप देखें तो ये बन रहा है क्रिस क्रॉस तो ये आपका एक्स लिंक डोमिनेंट है बट चलिए इसको श्योर भी कर लेते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव तो नहीं है चलिए आइए देखते हैं तो अब हम इसके जीनोटाइप्स बना लेते हैं मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है ठीक है मान लीजिए आर मीन डोमिनेंट कैपिटल में लिखे ना, अब यहां पे XR, आपका, यहां पे आपका, गया फीमेल के पास एक एक्स आता है फादर से यहां एक्स आर एक्स और ये जो सारे लड़के नालायक मदर का एक्स वाई मदर से एक्स और वाई फादर से ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ठीक है अब ये सारे फॉर्मिनेशन बन गए अब देखो ये वाला जो है xr इसके पास क्या आया xr और फादर से आया होगा y बट सिंस ये डोमिनेटिंग है सिंस ये बच्चों डोमिनेटिंग है तो ये अफेक्टेड हो गया यहां मदर से इसके पास भी x आ रहा होगा फादर से x आया होगा तो फादर यहाँ पे क्या है फादर रहा होगा xy ियर तो अगर इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करें तो आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा तो एक्स लिंग डोमुड योर आंसर तो ऐसे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए मुझे बताते रहिए डो नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइबल लाइक द वीडियो फॉर योर जीज स्वयर आईन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नीट मंत्रा बाई गाइज टेक केयर